अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उनके फैंस, फिल्म स्टार और टीवी एक्टर सोशल मीडिया पर #justiceforSSR की मांग कर रहे हैं। वो जानना चाहते हैं कि 14 जून की रात वास्तव में क्या हुआ था। सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड में डेब्यू करने से पहले टेलीविजन इंडस्ट्री से जुड़े रहे थे, इसलिए उनकी जर्नी के साथ जुड़े कई टीवी एक्टर उन्हें अपना इंस्पिरेशन के रूप में देखते थे। एक्ट्रेस हिना खान सोशल मीडिया पर #justiceforSSR को सपोर्ट कर रही हैं। हिना खान ने एक इंटरव्यू में कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच के बारे में लोगों को एक बैलेंस्ड व्यू और कंक्लूजन पर नहीं आने की ज़रूरत है। एक्ट्रेस हिना खान कहती है कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसके बारे में बात नहीं करें, लेकिन एक बैलेंस्ड व्यू रखें। हिना खान के अनुसार हमारे देश में COVID-19 के रोगियों की संख्या, घरेलू हिंसा, बलात्कार, आसाम में बाढ़ जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर मीडिया को फोकस करने की ज़रूरत है। रिया चक्रवर्ती के मीडिया ट्रायल के बारे में हिना ने कहा है कि लोगों को निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले CBI को अपनी जांच पूरी कर देनी चाहिए। हिना के अनुसार बायस्ड मीडिया ट्रायल के आरोपों से रिया का करियर हमेशा के लिए डैमेज हो सकता है और यह सामना करना उनके लिए मुश्किल होगा। हिना खान ने कहा है कि उन्हें लगता है कि किसी के नाम को आत्महत्या और हत्या जैसे शब्दों के साथ टैग करना सही नहीं है, सच को सामने आने देना चाहिए। साथ ही उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया कि इंडस्ट्री में नेपोटिज्म है। वहीं CBI रिया चक्रवर्ती से लगातार चौथे दिन पूछताछ कर रही है। अब तक CBI रिया के अलावा उनके भाई शौविक चक्रवर्ती और सुशांत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पठानी से भी लंबी पूछताछ कर चुकी है। सुशांत केस से जुड़ी अपडेट को जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट से बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।